दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। और अगर दोस्तों आप नहीं जानते हो कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा अच्छे से लास्ट तक देखना है। दोस्तों यहाँ पे कंप्यूटर ओपन होने के बाद यहाँ पर नीचे में आपको स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब आपको यहाँ पे एक अकाउंट्स का ऑप्शन दिख जाता है, इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखता है साइन इन ऑप्शन का, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिख जाएगा पासवर्ड का, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद यहाँ पे आपको चेंज का ऑप्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको अपना कंप्यूटर का करेंट पासवर्ड डालना है, जो कि आप अभी अपने करेंट पासवर्ड को डालकर लॉगिन करते हो। तो यहाँ पे आपको करेंट पासवर्ड डाल लेना है। करेंट पासवर्ड डालने के बाद यहाँ पर आपको नीचे की तरफ नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे जैसा कि दोस्तों आपको पासवर्ड चेंज करने का ऑप्शन आ जा रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन देख सकते हो, तो यहाँ पे आपको नया पासवर्ड बना लेना है। फिर से उसके बाद आपको कन्फर्म में नया पासवर्ड डाल लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड हिंट भी बना लेना है। अब दोस्तों पासवर्ड बना लेने के बाद यहाँ पर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको फिनिश पे क्लिक करना है। अब दोस्तों यहाँ पे आपका जो लॉक स्क्रीन का जो पासवर्ड होगा वो चेंज हो जाएगा आपके कंप्यूटर में। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दो तरीके और बता देता हूँ इस विंडो तक पहुँचने का, जो कि पासवर्ड चेंज करने का है। तो यहाँ पर आपको फिर से स्टार्ट मेन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपका जो यूजर अकाउंट होगा यहाँ पर आपका शो हो जाएगा, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको चेंज अकाउंट सेटिंग्स पे क्लिक करना है। अब जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हो कि इस विंडो तक आप पहुंच गए हो, सिंपली यहां पर आपको साइन इन ऑप्शन पर क्लिक करके यहां पे आप पासवर्ड क्लिक करके यहां से आप चेंज पे क्लिक करके आप पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। अब दोस्तों इस विंडो तक पहुंचने का एक और तरीका है, जो कि मैं आपको बता देता हूँ। सिंपली आप नीचे सर्च बार में यहाँ पर आपको कंट्रोल पैनल सर्च करना है। कंट्रोल पैनल लिखने के बाद यहाँ पर आपको रिजल्ट में शो हो जाएगा कंट्रोल पैनल, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको एक यूजर अकाउंट का ऑप्शन रहता है, इस पर आपको क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको यूजर अकाउंट्स पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे आपने अपने कंप्यूटर में जो अकाउंट बनाया होगा यहाँ पर वो शो हो जाएगा। सिंपली यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिल जाता है मेक चेंजेस टू माई अकाउंट इन पीसी सेटिंग्स, सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है। अब उसके बाद फिर से आपको यहाँ पे साइन इन वाले ऑप्शन पे आना है। तो यहाँ से फिर आपको पासवर्ड पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको पासवर्ड चेंज करने के लिए यहाँ पर आपको चेंज पे क्लिक करके आप अपने कंप्यूटर में लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से भी आप अपने कंप्यूटर में पासवर्ड चेंज करने के लिए इस विंडो तक पहुँच सकते हो। तो कुछ इस तरीके से आप अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के लॉक स्क्रीन को पासवर्ड को चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो में समझ में आ गया होगा कि कंप्यूटर या फिर लैपटॉप में लॉक स्क्रीन के पासवर्ड को कैसे चेंज करते हैं। और अगर दोस्तों आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। और अगर आपके लिए वीडियो यूजफुल रहा तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।